गए थे बता के कि मैं सीमा के घर जा रही हूँ फिजिक्स पढ़ने। आप सीमा के घर नहीं गए, सीमा के घर से सारी सीमाएं लांग के आप समीर के घर पहुंच गए। नहीं नहीं, मैं सीमा के घर जा रही हूँ फिजिक्स पढ़ने, फिर सीमा के घर से सारी सीमाएं लांगते हुए समीर के घर पहुंच गए, है ना। तो दैट इज अ फियर। कल को माँ बाप को पता लग जाए तो उन्होंने सीमा को फोन कर लिया, सीमा ओ सीमा कैसी है अलका, वो तो ये कह के घर के घर पे रही है, नहीं तेरे घर पे जा रही हूँ मैं, आई कि नहीं आई। सीमा कह दे कल को ये बात कि नहीं आंटी हमारे यहाँ तो कोई अलका नहीं आई। उसके बाद जो बैंड बजेगी सोचो क्या, देखो कुछ भी हो सकता है। सो इन दैट केस माँ बाप को चिंता हो जाएगी कि आप गए कहाँ, ठीक है। और ज्यादातर माँ बाप आपको थोड़ा सा उस वे से सोचने लगते हैं इस बात को कि तुम इतनी रात को गायब हो, सीमा के घर तुम हो नहीं हो, सारी सीमाएं तुमने क्रॉस कर दी, तुम गए कहाँ, कल को कुछ गलत काम ना कर लो। गलत काम में क्या होता है सबको पता है। सो ये एक फियर है, और आप एक सीमा लांग के कोई काम करने जा रहे हो तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। तुम्हें शुरू में थोड़ा सा ऐसा फील होगा आजादी टाइप, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। जो भी करना है खुल्लम खुल्ला करो, बता के करो, ठीक है। बता के तो तुम कैसे करोगे, चित्तर नहीं पड़ेंगे, बट तुम बताओगे तो तुम्हें, अब होता क्या ना, माँ बाप का फियर ही इतना होता है। पर बेटर ये है कि अगर आपके माँ बाप के साथ दोस्ती है तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। कल को आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो आज समीर के साथ हूँ पढ़ने वाली हूँ, तो आपके मॉम डैड आपसे कह सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर आप फ्रेंडली हो तो मॉम डैड कह सकते हैं दैट्स नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, अभी तुम्हारी एज नहीं है, कल को कुछ भी गड़बड़ हो जाता है। तो उसके ये सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लोग है ना, मतलब माँ बाप अपने बच्चों के साथ इतना डिस्टेंस बना के रखते हैं कि वो बच्चों को बता ही नहीं पाते कि इनसे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, खुल के कोई बात क्यों नहीं करता, समझ रहे हो। और ये बहुत लोगों के साथ होता है, तुम चाहे डिनाइल मोड में जाओ बट ये सच है, तुम इसको मानो नहीं मानो, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, मैं क्या ही बताऊं। तुम भी अच्छे से जानते हो, तुमने भी किसी ना किसी को ऐसे करते देखा होगा। और फिर उसके क्या, उसको तो पता भी नहीं था, कैजुअली लिया जा रहा था सब कुछ, रात में झूठ बोल के चली गई कि मैं, या चला गया कि मैं उसके घर जा रहा हूँ या उसके घर गए किसी और के घर, कल को कुछ ऐसा फिजिकली गड़बड़ हो गया और उसकी वजह से कुछ बड़ी लेवल की चीज हो गई, तो फिर आप सोचो कि उसके क्या लेने के देने पड़ेंगे। और बायो के बच्चों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, ओके।